नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स के पेपर नंबर सेकंड के ऊपर, जिसका नाम है विस्कस फ्लूइड की हम चर्चा कर रहे थे। और विस्कस फ्लूइड में अपना जो टॉपिक जो यूनिट चल रहा था वो यूनिट नंबर सेकंड अपन ने स्टार्ट किया था। और अपन ने जो पहला टॉपिक लिया था वो था अपना फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, क्लियर है सभी को? ये वाला टॉपिक अपना चल रहा था, स्टार्ट किया था अपन ने फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। मींस इसमें अपन ने दो पैरेलल प्लेट ली थी और उसके अंदर फ्लो बह रहा था और किस प्रकार से उसकी हमने वेलोसिटी निकाली थी, काफी अच्छी तरीके से अपन ने समझने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन ने सबसे पहले देखा था नंबर एक केस, जो लास्ट क्लास में वो केस नंबर फर्स्ट था अपना प्लेन कुट्टी फ्लो। अपन ने चर्चा की थी प्लेन कुट्टी फ्लो की, ठीक है, जो अपना फर्स्ट केस था, किसके अंदर फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के अंदर, इसके अंदर अपन ने वेलोसिटी निकाली थी। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं इसमें इसका केस नंबर सेकेंड, जिसको बोलते हैं प्लेन पॉइज़न फ्लो। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, पॉइज़न ही बोला है मैंने आज तक, तो आप देख लेना अपने हिसाब से जिसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, कुल मिला के बात है सेट कर लेना अपने हिसाब से। आज इसको करते हैं अपन प्रूफ की ये क्या होता है, किस प्रकार से चलता है, ये क्या कहता है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैटर हम विस्कस फ्लूइड का पढ़ रहे हैं उसका डिटेल में विद हैंडराइटिंग नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सुबह सुबह का वक्त है तो उम्मीद करता हूँ सभी जाग गए होंगे, 7 बज रहे हैं, तो नहीं जागे हो तो जाग जाओ, ठीक है, और क्लास को अटेंड करो। कुछ लोगों की तो जो सुबह होती है वो 7 बजे नहीं होती, मैं भी उनमें से एक था, वो था में था, अभी तो क्या है कि प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट में तो नहीं हूँ लेकिन उस वक्त था, ठीक है, लेकिन वो वक्त भी चला गया, नया वक्त आ गया, तो उसमें अब सुबह जल्दी होने लग गई, रात आज भी देर तक होती है लेकिन सुबह जल्दी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी उठ गए होंगे, क्लासें कंटिन्यू अटेंड कर रहे होंगे, और क्लास कंटिन्यू अटेंड करें, साथ में पूरी क्लास को अटेंड करें, लास्ट में एक साथ आप इनको नहीं देख पाओगे, कहीं ऐसा हो कि जिस दिन आप उठो उस दिन क्लासें ही ना मिले यूट्यूब पे, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, क्लासें कंटिन्यू लेते चलना, हो सकता है पीछे वाली रहेगी लेकिन देखो वादा नहीं कर सकता रहे या ना रहे, लेकिन ऑलमोस्ट रहेगी। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन प्लेन पॉइज़न फ्लो के ऊपर। तो देखना इसको आज प्रूफ करते हैं कि साहब ये कहता क्या है, कि पहले तो प्लेन कुट्टी फ्लो था, फिर ये साहब आए इन्होंने क्या कहा, ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने ये कहा कि साहब जो पैरेलल प्लेट्स अपने पास थी उनमें जो फ्लो बह रहा था, ये देखो ये पैरेलल प्लेट थी अपने पास, ठीक है, इनमें जो फ्लूइड था वो इस प्रकार बह रहा था, क्लियर है सभी को। ये अपन ने दो पैरेलल प्लेट ली थी और प्लेन कुट्टी फ्लो के अंदर क्या था कि ये जो नीचे वाली प्लेट थी ये स्टेशनरी थी लेकिन ये वाली कैपिटल यू वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ठीक है। ये किसमें था, ये केस नंबर फर्स्ट ने कहा था कि साहब ये तो कैपिटल यू वेलोसिटी से मूव करेगी लेकिन यहां वेलोसिटी जीरो रहेगी, मींस ये कैसा रहेगा आपका, ये जीरो रहेगा, क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। तो आगे चलते हैं, तो देखना ये स्टेशनरी थी मतलब यहां वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखना, अब जब ये सेकंड वाला केस आया तो इसने क्या कहा, ठीक है, पहले देखो यहां जो पीछे वाला केस था प्लेन कुट्टी फ्लो में उसमें अपन ने होरिजन जो ओरिजिन था वो कहाँ लिया था, इस प्लेट पे लिया था, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो अपन ने स्मॉल डी ली थी। लेकिन जब ये आया तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि इसका ओरिजिन लो आप,
प्लेट के एकदम मिडिल में, ठीक है। इसने क्या कहा, इसका ओरिजिन लो आप प्लेट के एकदम मिडिल में, ठीक है। प्लेट के मिडिल में अपन ने ओरिजिन ले लिया, ये एक्स एक्सिस हो गई यहां, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। नीचे वाली इसकी नेगेटिव एक्सिस हो गई, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या कहता है, आपका प्लेन पॉइजन फ्लो कहता है। डिस्टेंस इसके बीच की मैं ले रहा हूं 2b, ठीक है। इस बार मैं डिस्टेंस कितनी ले रहा हूं, दोनों प्लेट की 2b ले रहा हूं, ठीक है। वो क्यों ली है, उसका रीजन भी मैं आगे बता दूंगा कि 2b ही क्यों ली, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा ये, इसलिए अपन ने क्या ले ली, इसकी 2b ले ली, ठीक है। तो यहां से अब सुनना इस केस को, सेकंड वाले केस में अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले केस में जो ओरिजिन है वो प्लेट के एकदम मिडिल में लिया है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने एक छोटी सी चीज बनाई है, सभी को दिख रहा होगा, क्या बनाई है, क्यों बनाया है, कुछ समझ में आया होगा कि ये चीज एग्जैक्ट में है क्या, ये चीज एग्जैक्ट में है क्या, कि ये पूरा फ्लूइड ही है, ये क्या है, ये फ्लूइड ही है। मैंने ये इसलिए ये चीज शो की है कि जो फ्लो है इस फ्लूइड का, वो यहां इस एक्स एक्सिस के ऊपर सबसे ज्यादा होगा, मतलब यहां जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। एक चीज ध्यान रखना, इस प्लेन पॉइजन फ्लो के अंदर दोनों की दोनों प्लेट स्टेशनरी रहती है, दोनों की दोनों प्लेट स्टेशनरी रहती है, ठीक है। कहने का मतलब है ये दोनों प्लेटें इसमें क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। फिक्स रहने का मतलब यहां कोई वेलोसिटी नहीं है, यहां भी यू बराबर जीरो है और यहां भी यू बराबर क्या है, जीरो है। अब एक चीज बताना मुझे, फ्लूइड है उसका फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से सुनना, पहले इस चीज को समझ लो अच्छे से कि इस एक्स एक्सिस पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी क्यों होगी, मतलब सब इन दोनों प्लेटों के एकदम मिडिल में क्या होगी, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। यहां जीरो होगी लेकिन यहां कुछ ज्यादा, फिर थोड़ी बढ़ते 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 इस एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम होगी, फिर जैसे नीचे जाएगी वापस कम होती जाएगी होती जाएगी, और इसके ऊपर आकर वापस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। फ्लूइड इस तरफ बह रहा है, ठीक है, लेकिन इन प्लेटों के ऊपर क्या है, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। लेकिन क्या रीजन रहता है साहब कि प्लेटों के बीच में ये फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, क्या रीजन है कि यहां ये कम होगा, तो यहां अपने काम में आता है, नाम सुना होगा सभी ने, विस्कोसिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्यानता, ठीक है, जिसको भी क्या बोलते हैं हिंदी में, श्यानता। देखो क्लियर कर देता हूं, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है इतना, ठीक है, मैं बता देता हूं बस, आपको ज्यादा कुछ ध्यान में अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इतना, आप बस इतना ध्यान में रखो कि प्लेटों के मिडिल में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, बाकी आपको कुछ भी मतलब नहीं है, किन्हीं चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रख लो कि प्लेटों के बीच में मिडिल में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब ज्यादा क्यों होगी, ठीक है, अब कई स्टूडेंट होते हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि क्यों होगी, हम क्यों ध्यान में रखें ऐसा, हमें तो रीजन चाहिए चाहिए, मतलब चाहिए कि क्यों होगी। तो क्यों होगी उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जाना चाहो तो आप, ये वैसे फिजिक्स की क्लास चल रही है, अब तो खुद पे भी डाउट होने लग गया है कि मैथमेटिक्स के हैं या फिजिक्स के हैं, क्योंकि BSc फाइनल में डायनेमिक्स चल रही, फिर MSc प्रवेश में भी डायनेमिक्स चलानी, फिर यहां भी डायनेमिक्स चल रही, तो मैथमेटिक्स तो कहीं रही नहीं आसपास, ठीक है। तो एक बार देख लो, इसको भी समझ लेते हैं कि क्यों मिडिल में मैक्सिमम रहेगी, उसका रीजन भी हम जान लेते हैं। वैसे ये ज्यादा आपके काम की चीज नहीं है क्यों क्यों रहेगी, बस इतना आप, क्योंकि फिजिक्स आपके कोई रोल नहीं है इतना, ठीक है, अपने मैथमेटिक्स में फिजिक्स का कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए हम इसको जान लेते हैं क्यों क्यों रहेगी। आप तो बस इतना जान लेना कि प्लेटों के मिडिल में वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि विस्कोसिटी का नाम सुना होगा, विस्कोसिटी यानी श्यानता, श्यानता क्या कहती है, श्यानता का मतलब ये द्रव के बहने का विरोध करती है, ठीक
ठीक है, मतलब फ्लूइड के बहने का विरोध करती है, मतलब जो फ्लूइड बह रहा है उसको ये रोकने की कोशिश करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, शांता बोलते हैं। ठीक है, तो पानी में क्या होता है कि शांत बल, एक दो बलों के नाम सुने होंगे आपने, एक तो होता है असंजक बल, ठीक है, एक होता है ससंजक बल, ठीक है, ये दो बल चलते हैं फिजिक्स के अंदर, नाम सुना होगा सभी स्टूडेंट ने। देखो इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, इस बल को तो फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ये असंजक और ससंजक ये दो भाई हैं, इनका देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इतना ध्यान में नहीं है, आप सहायता ले लेना गूगल की क्या बोलते हैं, अदरवाइज पता होगा, जिसको पता है वो कमेंट में बता देना मुझे भी, ठीक है, मैं भी ले लेता, लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा फ़ोन से दूर ही है, फ़ोन वैसे भी कोई काम में नहीं आता आजकल, ठीक है, कोई ज़माने में आता था, ठीक है, व्हाट्सएप भी चला लेते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप का भी कोई काम नहीं रहा, तो किसी भी चीज़ का फ़ोन में कोई काम नहीं रहा, तो गूगल का भी कोई काम नहीं रहा, तो आप देख लेना इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में मैंने बता दिया, दो बल होते हैं, एक तो असंजक बल होता है, एक ससंजक बल होता है। असंजक बल क्या कहता है, ये कहता है कि साहब दो असमान पदार्थों के बीच में ये बल लगता है, ठीक है, दो असमान पदार्थों के बीच में लगने वाला असंजक बल और दो समान पदार्थों के बीच लगने वाला बल ससंजक बल होता है, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने इस केस में, तो ध्यान रखना, एक तो ये प्लेट भी पदार्थ हो गया, ठीक है, और एक ये फ्लूइड भी पदार्थ हो गया, ठीक है। अब प्लेट और फ्लूइड दोनों अलग अलग पदार्थ है, मतलब अलग अलग पदार्थों के बीच कौन सा बल लगता है, असंजक बल। तो यहां जो इस फ्लूइड की जो ये द्रव है, इस द्रव की जो सबसे ऊपर वाली परत होगी वो किसको टच कर रही है, वो इस प्लेट को टच कर रही है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो परत है फ्लूइड की वो किस पे टच है, वो इस प्लेट पे टच है। इस प्लेट पे टच होने का मतलब यहां जो असंजक बल का मान है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, और साथ में इसमें शान बल है जो विस्कोसिटी है वो भी क्या होगी, सबसे ज्यादा प्रभावी होगी। तो सबसे ज्यादा प्रभावी होने का मतलब जो लास्ट वाली परत होगी उस पे जो वेलोसिटी है वो सबसे कम होगी। जैसे जैसे ये द्रव की इस जो परतें हैं वो नीचे जाती जाएगी, वैसे वैसे इस बल का मान कम होता जाएगा, कम होते होते लास्ट में जब भी ये यहां एकदम मिडिल में आ जाएगा इसके, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई होगी कि साहब यहां से देखो, इस प्लेट से इसकी मैक्सिमम दूरी कहां तक है, यहां तक है, ठीक है, नीचे से यहां तक, तो मिडिल वाला क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये फ्लूइड इसके संपर्क में आता जाएगा, इसके संपर्क में आता जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, लास्ट में इस प्लेट पे आके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे वापस बढ़ती जाएगी। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर समझना है किसी स्टूडेंट को तो वो फिजिक्स की किताब खोल ले और उसमें और डिटेल में इसको समझाया गया, वहां पे इसको आप समझ सकते हो। इतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ज्यादा और डिटेल में हम नहीं जा सकते। बस आपको कितना ध्यान में रखना है, आपको बस यही ध्यान में रखना है कि जो प्लेटें होंगी उनके मिडिल में क्या होगा बल, जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, बस इतना ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करते हैं इसकी केस में, इसकी केस की। तो एक चीज ध्यान से सुनना, यहीं से आपको जो लैंग्वेज है वो इसमें काम में ले लेना। कंसिडर फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ओरिजिन टेकन एट द मिडिल ऑफ द प्लेट, ठीक है। एंड और एक चीज ध्यान में रखना, इसके अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो नॉन जीरो होता है, ये भी लिख देना, प्रेशर ग्रेडियंट टेकन टू बी नॉन जीरो, दैट इज डीपी, प्रेशर ग्रेडियंट क्या था, डीपी अपॉन डीएक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये क्या रहता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो रहता है। तो प्लेन पॉइजन फ्लो की एक चीज ध्यान में रखना, जो प्लेटें होती है दोनों स्टेशनरी होती है, ठीक है, ओरिजिन कहां लेते हैं, मिडिल में लेते हैं, और प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होता है, नॉन जीरो होता है। बस यही चीज आपको क्या करनी है, इसमें ध्यान में रखनी है, और आपको इसमें कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। आगे चलते हैं और अब इसको सोल्व करते हैं कि क्या ये कहता है। अब सबसे पहले अपन ने पीछे वाला जो प्लेन कुट्टी फ्लो था उसमें एक इक्वेशन निकाली थी जो थी स्मॉल यू बराबर वन अपॉन म्यू डी पी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर बाई टू प्लस ए वाई
बी, याद होगी सभी स्टूडेंट को, ये इक्वेशन अपन ने निकाली थी प्लेन कुट्टी फ्लो के अंदर, जहां अपन ने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी उसके जस्ट यही पहले अपनी यही इक्वेशन आई थी। अगर किसी को ध्यान में नहीं है तो पीछे वाले आप नोट्स में देख लेना, ये इक्वेशन अपनी आई थी, या पीछे वाला लेक्चर देख लेना, ये इक्वेशन अपन ने लास्ट में निकाली थी, फिर बाउंड्री कंडीशन काम में ली थी और इसको सॉल्व किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्मॉल यू बराबर ये इक्वेशन अपने पास आ गई थी, बाउंड्री कंडीशंस अपन निकालते हैं, बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो साहब बाउंड्री कंडीशन निकालना चाहता हूं मैं, तो देखना यहां से एक चीज देखना, वाई बराबर ये देखो, यहां से यहां तक की दूरी भी बी और यहां से यहां तक की दूरी भी बी, लेकिन कैसे होगी ध्यान रखना, वाई बराबर प्लस माइनस बी पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, प्लस की बी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, माइनस की बी। माइनस की बी क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है, तो इधर वाली डिस्टेंस भी कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी, टोटल तो 2b ही होगी, कहीं ये ना हो कि इनको जोड़े तो आप बोल दो प्लस की हो जाए, ठीक है, प्लस की करोगे तो भी 2b ही होगी, लेकिन ये कैसी है, नेगेटिव एक्सिस है। तो जब आप नेगेटिव एक्सिस लेते हो मतलब यहां पे आते हो तो भी वेलोसिटी क्या है, जीरो, और जब आप यहां प्लस बी पे रहते हो तो भी वेलोसिटी कैसी है, जीरो है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। अब यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, इसको इक्वेशन नंबर कुछ भी उसके जस्ट आगे जो आई थी एक दे दो अपने, चलो ठीक है, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में बाउंड्री कंडीशन का यूज कर दो, तो यू बराबर वन अपॉन म्यू डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। वाई की जगह एक बार तो माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर बटे दो प्लस ए बी प्लस बी, ठीक है, वाई की जगह क्या पुट करना था, बी पुट करना था, क्लियर है सभी स्टूडेंट को, इसको इक्वेशन नंबर दो नाम दे देता हूं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखना फिर मैं क्या पुट करूंगा, यू बराबर तो जीरो ले रहे हैं तो ये तो क्या हो जाएगी, इधर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब लेता हूं मैं वाई बराबर माइनस बी पर भी यू कैसा है, जीरो, तो पुट कर दो वापस इस इक्वेशन में, तो वाई बराबर यू जीरो बराबर वन अपॉन म्यू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस का बी स्क्वायर बटे दो फिर प्लस ये माइनस ए वाई प्लस बी, इसको इक्वेशन नंबर तीन नाम दे देता हूं। तो दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन दो और तीन से आप ए और बी को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, ए और बी को एलिमिनेट करोगे तो क्या मिलेगा, तो देखो एलिमिनेट करते हैं, सबसे पहले बाय इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड, इक्वेशन दो और तीन को जोड़ दो, दो और तीन को जोड़ोगे तो देखना क्या मिलेगा आपको, ये ए वाई से ए वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, b और b क्या बच जाएगा आपके पास 2b, ठीक है, b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, इनको जोड़ोगे तो भी ये डबल हो जाएगी, मतलब 1 प्लस म्यू डी पी अपॉन डी एक्स बी स्क्वायर बाई टू, और ये डबल हो जाएगी, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो b बराबर आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और साथ में बी स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, बी का मान आ गया। अब ए का मान निकालते हैं, ए का मान निकालने के लिए साहब आप क्या करोगे, दो में से तीन को घटा दो, दो माइनस तीन, दो में से तीन को घटाओगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये ए यहां बी आएगा ना, ये बी, इन दोनों को जोड़ दो तो ये बन जाएगा टू ए बी इक्वल्स टू, और देखो ये और ये गट जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ए बराबर क्या मिलेगा, जीरो। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, ए का मान जीरो और बी का मान अपने पास आया वन अपॉन, ए का मान आएगा वन अपॉन टू म्यू और डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये मान अपने पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के मान को अपनी इस इक्वेशन में रखेंगे, तो देखना आगे इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं,
पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट थी ना, तो इक्वेशन फर्स्ट में इनको पुट कर देते हैं, तो स्मॉल यू बराबर 1 अपॉन म्यू डी पी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस ए का मान तो क्या है 0 है, तो बी का मान क्या है अपने पास 1 अपॉन 2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो आगे चलते हैं, यू इक्वल्स टू इसमें से जो टर्म कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन 2 म्यू, ठीक है, डी पी अपॉन डी एक्स कोष्टक में बचेगा वाई स्क्वायर प्लस। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक चीज देखना थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हुई है क्या इसमें। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया, ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 को जब हमने ऐड किया तो ये प्लस बराबर 0, तो ये b बराबर उधर भेजोगे तो ये कैसा मिलेगा हमें, माइनस का मिलेगा, ठीक है, माइनस का मिलेगा, तो यहाँ भी कैसा आएगा फिर अपने पास, ये माइनस, ठीक है, और ये भी टर्म माइनस, ठीक है, बाकी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, और इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखना एट द मिडिल, ठीक है, एट द मिडिल ऑफ प्लेट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, दैट इज मैं मान लेता हूँ स्मॉल यू बराबर यू मैक्सिमम, तो पुट कर देते हैं यहाँ वैल्यू, तो स्मॉल यू की जगह यू मैक्सिमम इक्वल्स टू। अब एक चीज और देखना यहाँ पे दोस्तों, जब मैंने u इक्वल्स टू मैक्सिमम लिया तो y का मान यहां क्या रहेगा, मिडिल में तो y का मान 0 ही है, मिडिल में क्या है y का मान 0 है, तो ये वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पुट करते हो तो u मैक्सिमम बराबर 1 अपॉन 2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स और y का मान 0 है तो माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि u मैक्सिमम इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स और माइनस का इधर ले लो और ये बी स्क्वायर। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर कहाँ तक आ गई थी अपनी, 3 तक, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो। अब देखना इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर दो तो यू अपॉन यू मैक्सिमम इक्वल्स टू, अब डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा देखना, यहां से ये पूरी टर्म कैंसिल, ठीक है, तो एक तो माइनस का बचेगा, ठीक है, माइनस का और साथ में ये डिवाइड करोगे और अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का अपॉन में बी स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? यहां से मैं ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन, माइनस का बी स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं, तो माइनस का बी स्क्वायर बाहर निकाला तो 1 माइनस और बट्टे में पहले से माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल, तो आपके पास क्या आया यू अपॉन यू मैक्सिमम इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, यही क्या होता है आपके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्लियर हुआ होगा सभी स्टूडेंट को यहां तक, ठीक है, नीचे लिख देना विच इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपका जो केस नंबर सेकंड है वो कंप्लीट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्लेन पॉइजल फ्लो बोलते हो। अब आगे बढ़ते हैं और आगे इसके थर्ड केस की बात करते हैं, जो इसका अंतिम पॉइंट है, अंतिम केस है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या कहता है, तो देखते हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। केस नंबर थर्ड आता है इसमें, वो आता है जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो। बात करते हैं जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो की। ये क्या कहता है, बस ये इतनी बात कहता है
कि अगर प्लेन कुट्टी फ्लो के अंदर आप प्रेशर ग्रेडियंट को नॉन जीरो लेते हो तो वो क्या बन जाता है, जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो बन जाता है। देखना, इफ प्रेशर ग्रेडियंट टेकन टू बी नॉन जीरो, इफ प्रेशर ग्रेडियंट, या ग्रेडियंट और लगा देना, इफ प्रेशर ग्रेडियंट टेकन टू बी नॉन जीरो इन जनरलाइज्ड इन प्लेन कुट्टी फ्लो देन इट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो। ठीक है, कहने का मतलब है दैट इज dP अपॉन dx नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि हमने क्या किया था, प्लेन कुट्टी फ्लो के अंदर इसको जीरो लिया था। ठीक है, मैंने बताया था कि प्लेन कुट्टी फ्लो के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो होता है, और जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो के अंदर ये जीरो नहीं होता है और इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे क्या आगे चलते हैं। अब देखो, एक चीज थी, आप कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आया होगा कि प्लेन पॉइजल फ्लो जो इससे जस्ट पहले पढ़ा है उसमें भी तो प्रेशर ग्रेडियंट नॉन जीरो था। अरे उसमें प्रेशर ग्रेडियंट नॉन जीरो था, लेकिन जो ओरिजन था वो प्लेट के मिडिल में लिया गया था। यहां प्लेटें भी वैसी ही है, ओरिजन भी वही है, कहीं कहां है, जहां प्लेन कुट्टी फ्लो के अंदर था, केस नंबर फर्स्ट के अंदर था, वही है। तो इक्वेशन वो की वही काम में लेनी है, स्मॉल यू बराबर 1 अपॉन म्यू डीपी अपॉन डीएक्स वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस ए वाई प्लस बी, ये इक्वेशन ही काम में लेनी है। वहां क्या था, ये जीरो लेके अपन ने सीधा मान निकाला था, लेकिन यहां ये जीरो नहीं लेना है, नहीं लेना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखना, बाउंड्री कंडीशन निकालता हूं डायरेक्ट, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन निकालूंगा तो वही चीज 8 y बराबर 0, y बराबर 0 पे u बराबर भी क्या था, 0 था, तो रख दो इसमें 0 बराबर, ये भी पूरा क्या हो गया, y बराबर भी 0 है, ये भी 0, तो यहां तो सीधा सीधा आपको मिल गया b बराबर 0। क्लियर से भी स्टूडेंट को? अब मैं निकालना चाहूंगा 8 y बराबर d और यू बराबर कैपिटल यू, क्योंकि डी पे डी कहां था, जहां वेलोसिटी कैपिटल यू अपन ने ली थी। ठीक है, तो वहां रखते हैं अपन ये वैल्यूज रखते हैं, तो कैपिटल यू बराबर 1 अपॉन म्यू dP अपॉन dx d² बाई 2 प्लस ad प्लस b। बी का मान क्या दिया है आपको, 0 दिया है अपन ने निकाला है, तो यहां से ए का मान निकाल लेते हैं। तो देखना, u बराबर 1 अपॉन म्यू dP अपॉन dx d² बाई 2 प्लस ad, तो a का मान निकाल लो, a बराबर ये u माइनस 1 अपॉन म्यू dP अपॉन dx और d² बाई 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और यहाँ d था, d को उधर भेज दो, तो a बराबर u अपॉन d माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू d और dP अपॉन dx और d² बाई 2। तो a और b के मान आपको मिल चुके हैं, तो a और b के मान क्या करोगे आप, अपनी इक्वेशन नंबर जो लिखी है उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखना कहाँ, इस इक्वेशन में a और b के मान हमें पुट करने हैं, तो लिख देना यूजिंग a एंड b इन इक्वेशन, जो भी आपकी इक्वेशन नंबर है वो यहाँ लगा देना। तो इसमें बी और ए के मान पुट करो, बी तो जीरो है, तो स्मॉल यू बराबर 1 अपॉन म्यू dP अपॉन dx y² बाई 2 प्लस ए का मान क्या है आपके पास, यहाँ दिया हुआ वाई बाहर ले लो, तो यू अपॉन डी माइनस 1 अपॉन म्यू dP अपॉन dx d² बाई 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक? अब वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यू बराबर 1 अपॉन म्यू dP अपॉन dx y² बटे 2। ठीक है, वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यू वाई अपॉन डी, फिर माइनस वाई अपॉन
म्यू डी डी पी अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर बाई टू। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इधर वाला मैं मिटा रहा हूं और देखना ये इधर वाला मैंने मिटा दिया और अंदर अब इसको सोल्व करते हैं और इसमें से जो टर्म कॉमन आ रही है उनको कॉमन लेते हैं। तो यू बराबर यहां से जो जो कॉमन आ रहा है उनको बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको तो पहले ही लिख दो वाई अपॉन यू वाई अपॉन डी, फिर प्लस, अब देखो मैं माइनस का डी स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स वाई अपॉन डी, ये टर्म में कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, ये टर्म में कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा वो लिख देते हैं हमें। टू म्यू बाहर चला गया, ठीक है, वाई एक बाहर चला गया तो एक तो यहां वाई ही बच गया। ठीक है, और एक चीज और देखना, यहां इसमें मैंने क्या कॉमन लिया, एक डी कॉमन लिया क्योंकि ये डी से डी कैंसिल हो रहा है तो एक डी बाहर निकाला है तो ये बट्टे में डी आ जाएगा, तो वाई अपॉन डी बच गया। अब अंदर क्या बचेगा, माइनस यहां से क्या कॉमन लिया है डी स्क्वायर अपॉन टू म्यू, तो डी स्क्वायर अपॉन टू म्यू और वाई अपॉन डी डी पी अपॉन डी एक्स, ये पूरा कॉमन ले लिया तो अपने पास बचेगा वाई अपॉन डी माइनस वन। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये माइनस का बाहर निकाला है तो ये प्लस और ये माइनस बचेगा, यानी कि आपके पास बचेगा स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपॉन डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स वाई अपॉन डी, अंदर बचेगा वन माइनस वाई अपॉन डी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब यहां से देखना, इस टर्म को मैं कुछ नाम दे देता हूं, लेट पी इक्वल्स टू माइनस डी स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स, तो इसकी जगह पी पुट कर दो तो स्मॉल यू बराबर यू वाई अपॉन डी, तो ये क्या बन जाएगा प्लस पी वाई अपॉन डी वन माइनस वाई अपॉन डी। यही क्या होता है, जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो कहलाता है। तो ये चीज भी क्लियर हुई होगी सभी स्टूडेंट को यहां तक? ठीक है, अब देखो ये मैंने इसलिए लिखा है कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, इस कारण से लिखा है और इसका कोई रीजन नहीं है। आप यहीं भी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, यहां तक निकाल कर भी आप इसको छोड़ सकते हो, यहां तक थोड़ा और सोल्व किया है दिखने में भी अच्छा लगता है। और सेकंड चीज, ये उठाकर हम आगे वाले यूनिट में डायरेक्ट काम में लेंगे जहां हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट इसकी जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की होती है उसमें हम पढ़ेंगे, जहां हम ये इक्वेशन डायरेक्ट उठाएंगे और आगे टेम्परेचर का पार्ट चलेगा। क्लियर? तो ये इक्वेशन जो लास्ट में हम निकाल रहे हैं, ये सारी की सारी इक्वेशन आपको याद भी रहनी जरूरी है, क्योंकि याद रहेगी तभी आप नेक्स्ट वाली यूनिट कर पाओगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट वाली यूनिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, याद रहनी जरूरी है। ये लास्ट में जो तीन फॉर्मूले अपन ने निकाले हैं, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद में रहना जरूरी है, बाकी इसमें याद रखने वाली कोई भी चीज नहीं है। हमने पढ़ा है इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं थी जहां आपको याद रखना पड़े, एक दो चीजें थी जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो आपको याद रखनी थी। ठीक है, उसके अलावा इसमें कोई भी चीज याद रखने के लायक नहीं है। अब मैं कुछ चीजें इसमें और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, तो वो चीजें आप एक बार ध्यान से सुनना। फर्स्ट चीज, केस नंबर फर्स्ट था प्लेन कुट्टी फ्लो, जिसमें आपने जीरो से लेकर लास्ट तक निकाला था स्टार्टिंग से, उसके बाद आया आपने प्लेन पॉइजल फ्लो, उसके बाद आया आपने जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो। तो ध्यान रखना जब भी एग्जाम में पूछता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों केस ही पूछे, ये कोई एक केस पूछता है, या तो प्लेन कुट्टी फ्लो पूछे, या प्लेन पॉइजल फ्लो पूछे, या जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो पूछे। ठीक है, हमने तीनों पढ़ लिए हैं। अब एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि केस नंबर थर्ड मैंने तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, केस नंबर थर्ड मैंने तो यहां से स्टार्ट कर दिया। अगर मान लो आपको एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है तो आप कभी भी यहां से नहीं स्टार्ट करोगे। ठीक है, कहां से स्टार्ट करोगे, जहां केस नंबर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था और जहां ये इक्वेशन खत्म हुई थी वहां तक सेम लेना है, कोई चेंज नहीं होगा, उसके आगे ये कार्यवाही आपको करनी है। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में ये पूछे जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो की
फ्लो दो पैरेलल प्लेटों के बीच में फ्लो बह रहा है, उसके लिए जनरलाइज्ड प्लेन कुटी फ्लो निकालो। तो आप क्या कर दो, सीधा यहाँ से निकाल के यहाँ ख़त्म कर दो, ऐसा कभी नहीं करना है। जहाँ पे एक प्लेन कुटी फ्लो स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर यहाँ तक पहले ये निकालोगे, क्योंकि ये तीनों में सेम है, यहाँ तक सेम है, इसलिए अपन ने पूरा नहीं निकाला। ये प्लेन कुटी फ्लो में भी आएगा यहाँ तक, और ये जनरलाइज्ड प्लेन कुटी फ्लो में भी आएगा, और प्लेन पॉइजल फ्लो में भी आएगा, तभी आपका ये पूरा माना जाएगा और तभी आपको इसमें पूरे 10 मार्क मिलेंगे। तो यहाँ तक अपना एक टॉपिक कंप्लीट होता है। ये मत सोचना कि तीन टॉपिक कंप्लीट हो गए, तीन टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं। यहाँ अपना एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसको बोलते हैं अपन फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, सर्कुलर पाइप आता है, या कौन सा है वो देखेंगे, ठीक है। अभी तो ध्यान में नहीं है कौन सा आता है इसके बाद में, या हेगेन फ्लो आता है, ठीक है, या कोसेंट्रिक सिलेंडर आता है, जो भी आता है वो देख लेंगे, ठीक है। तो आगे वाला जो टॉपिक होगा उसमें भी हम यही तीन चीज निकालेंगे, प्लेन कुट्टी फ्लो, जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो और प्लेन पोइजल फ्लो, यही तीन चीजें हम उस वाले टॉपिक में निकालेंगे, लेकिन उसमें अलग निकलेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उनको ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि विदाउट नोट्स आप नहीं पढ़ पाओगे। आज आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ये सोचते हो कि आगे जाकर देखेंगे तो भी लेना तो पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है, लेना तो पड़ेगा। विदाउट नोट्स तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, कैसे पढ़ोगे, क्योंकि मुझे तो पता है लेना तो पड़ेगा। तो आज लो, कल लो, उससे अच्छा आज ही ले लो, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।